है जो कि एलिमिनेशन और एडिशन दोनों में काम आती है। ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशंस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपके पास? आपको एलिमिनेशन देखने को मिलता है एच एक्स बाय स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हमेशा एंटी होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में आप ओ एच माइनस, ओ आर माइनस, एन एच टू माइनस कोई भी ले सकते हैं, यस और नो? सेकेंड, एलिमिनेशन एक और जगह देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो होगा हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन बाय जिंक पाउडर, और ये भी एंटी ही होता है, यानी ये दोनों एंटी एल्यूमिनेशन हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब आता है एडिशंस ऑफ दिस OH, ये दोनों OH एक ही तरफ अटैच हो, ये कौन डिसाइड करेगा? KMnO4, या ऑस्मियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, OSO4 भी ले सकते हैं आप KMnO4 के, और दोनों ही सेम एडिशन देते हैं, यानी दोनों OH एल्कीन पे अटैच होते हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। फोर्थ, एडिशन ऑफ Br2 ऑन एल्कीन इन एंटी एडिशन इज एंटी एडिशन, यानी Br2 का एडिशन होता है, आप जानते हैं डीकलराइजेशन एक्सपेरिमेंट है मल्टीपल बॉन्ड्स का, इसके अंदर ब्रोमीन अटैच होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? एंटी डायरेक्शन में, यानी एक Br अगर सेम एक्स डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा Br अटैच होगा, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। आ रही है बात समझ में? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, मैंने इस ट्रिक को बनाते वक्त प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। माइनस प्लस को करेंगे तो माइनस आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है। सिस को मैंने हमेशा यहाँ प्लस लिया है, ट्रांस को माइनस लिया है, सिन एडिशन को प्लस लिया है, ट्रांस एडिशन को मैंने क्या लिया? माइनस। थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा, और इस तरह का अगर एक्स वाई जो एलिमिनेट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। ये स्ट्रिक का बेसिक फंडा है। अब कुछ एग्जाम्पल आपके साथ हैं, शेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एच एक्स है, एच एक्स दोनों आप ही बताइए यहाँ पर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव, यस और नो? और ओ एच, ओ आर माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो एलिमिनेट करेगा, वो भी क्या करेगा? एंटी। एंटी करेगा तो क्या आएगा? माइनस। बोलो माइनस आएगा या नहीं आएगा? तो माइनस और प्लस होके क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस होके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस हो जाएगा, तो आप ही बताइए कि इसका मतलब क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी ये R1 R1 दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। माइनस का मतलब ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये R1 R1 आपको क्या दिखाई देंगे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे। इधर दूसरी तरफ देखिए, ओ आर माइनस, अगर हम यहां पर बात करते हैं, ओ आर माइनस भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास नेगेटिव ही रखता है, यानी एंटी एलिमिनेशन रखता है, बिल्कुल सही है। और जब ये एंटी एलिमिनेशन रखता है तो हमारे पास एच एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी हमारे जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ध्यान से देखिए, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या लिया? नेगेटिव, तो ये भी मेरे लिए नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही यानी R1 R1 जो कि दोनों हमारे को अब किस डायरेक्शन में रखने पड़ेंगे? पॉजिटिव, यानी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में रख दिए मैंने, यस। अब आता है एलिमिनेशन बाय जिंक, तो एक तरह से डी हेलोजिनेशन, दोनों हेलोजन एक्स ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, आपने इसको सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, लेकिन एलिमिनेशन नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा कुल मिला के? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे, और हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी R1 R1 जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख भी रहे, यानी यहाँ R1 R1 आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे। जिंक, फिर हमारे पास एक्स एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? जब एक्स एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव होगा, यानी R1 R1 आपके पास क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा, जैसा कि आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये है कि बहुत बढ़िया सुपर डिपर ट्रिक आपको मिल रही है, तो इसको लिखिए जल्दी से और आप यूज़ कीजिए, और खास तौर पे KMnO4, यानी कौन सा गैस? थर्ड एंड फोर्थ के लिए अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड और फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर KMnO4 एल्कली KMnO4 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेयर रिएजेंट्स हमारे पास हो रहा है, और ये दोनों तरफ सिन एडिशन देता है OH का, सिन एडिशन है, यानी कि आपके लिए क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव। और ये R1 R1 सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव, यानी अगर हम यहाँ पर R1 R1 सेम रख सकते हैं और OH OH भी सेम रखना पड़ेगा, सही है? तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर हो सकता है, इसके मल्टीपल आप रख सकते हो, लेकिन आंसर, अब एक बात बताइए, ये कंपाउंड मेजो होगा या नहीं होगा? होगा, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, एसएमिक मिक्सचर बनेगा ही नहीं, दिख रहा है POS दिख रहा है, तो आप इसको कैसे भी बनाओ, इसको 180 डिग्री पे घुमा दो, इन दोनों पेयर को आपस में चेंज करके, इन दोनों पेयर को भी आपस में चेंज कर दो, आपको कंपाउंड एक ही मिलेगा। आप ऐसा ना सोचे कि अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, आपको मल्टीपल लुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आंसर एक ही होगा। यहाँ देखिए R1 R1 आपके पास इस तरह से जाएगा, R2 R2 एंटी में दिखेगा, क्यों? क्योंकि KMnO4 आपके पास किस तरह का एडिशन दे रहा है? पॉजिटिव। और ये कौन सा है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रेसेमिक मिक्सचर,
तो ये ट्रिक आपको ये भी बताती है कि मेजो मिलेगा या रेसेमिक मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत हेल्प मिल रही है BR2, BR2 अपने हमें एडिशन नेगेटिव है, और ये दोनों R1 R1 आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके लिए, जल्दी बोलो आप, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके लिए, नेगेटिव। तो दोनों BR अपोजिट डायरेक्शन में, तो R2 भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और R1 R1 को तो एक को तो सेम रखना पड़ेगा और दूसरे को अपोजिट कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया R1, यहाँ नेगेटिव है, ये क्यों, क्योंकि R1 R1 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो आप आराम से कर सकते हैं कि यहाँ पर BR BR दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, R1 R1 सेम होंगे, R2 R2 सेम होंगे। तो ये आपके लिए बहुत इजी वे हो गया रिप्रेजेंट करने का, जिसमें आप बहुत आसानी से बता सकते हो कब मेजो मिलेगा कब रेसेमिक मिलेगा। तो आप ही बताइए यहाँ क्या मिल रहा था आपको, मेजो रेसेमिक, मेजो रेसेमिक मेजो, क्लियर है। तो बहुत आसानी से आपने कर लिया है।